नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ मोनिका अहलूवालिया। मैं अपने कोर्स मदर वुंड हीलिंग के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहती हूँ। माँ के बारे में जब हम सोचते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? हम सब ने यह गाना तो सुना होगा, माँ तो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है वो माँ, है ना? और ये सुनते ही हमारे मन गदगद हो पड़ता है। लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे, भले ही हम सब माँ की इम्पोर्टेंस, माँ के प्लेस, माँ की जो हमारे जीवन में जगह है उसके बारे में जानते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं कभी कभी हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि काश हमारी माँ ऐसी होती या वैसी होती, या वो ये करती तो हम ऐसे होते, हम ये बन पाते अगर हमारी माँ ने हमारे लिए ये सब किया होता। पर इन बातों को एक्सप्रेस करना, कहना शायद हम बहुत मुश्किल पाते हैं, क्योंकि हमें हमेशा ऐसा लगता है कि अगर हम अपने माता पिता के बारे में कुछ भी शब्द, गलत शब्द बोलेंगे, भले ही वे हकीकत भी हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे बारे में क्या दर्शाएगा, हम कैसा सोचते हैं, हम किस प्रकार से उनके बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो इस चीज़ों को हम बहुत ध्यान देते हैं, समझते हैं, और इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं हम इन्हें अपने अंदर दबा कर रखते हैं, और इनको दबाने की वजह से, इनको छुपाने की वजह से हमारे जीवन में बहुत सारे अलग अलग भिन्न प्रकार की उसकी प्रतिक्रिया होती है। कहीं पर हमारे विचार हमारे दूसरे लोगों के बारे में, दूसरों से किस तरह से झेलना है उनको, उनके साथ निभाना है, जीवन में हमें अलग अलग दृष्टिकोण, किस प्रकार से हमें लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ें भी हमारे माता पिता के साथ हमारे कैसे संबंध हैं, और स्पेशली हमारे माँ जो कि हमको जन्म देती है और हमें अपने गर्भ में 9-10 महीने रखती है, उस समय पर उसके अनगिनत विचार, उसकी सोच, बाहर वालों की उसके बारे में सोच, ये सब कुछ हमें बहुत हद तक कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। पर ये सब बातें हम अगर शेयर करें, बताएं, उन्हें निकालें, उन्हें कहीं डीप डाउन जहाँ पर वो छुपी हुई हैं, उन्हें अगर हम खुरीद कर बाहर निकाल पाएं, उन्हें समझें और उन्हें एक नया नज़रिया दें, नया तरीका दें, जब हम उसको सुलझा दें, उस तरीके को, उनको उस मकाम तक ला पाएं जहाँ पर वह किसी प्रकार का रोग दोष नहीं रहे, बल्कि हम उनसे स्वतंत्र हो जाएं, आप क्या ऐसा करना चाहेंगे? तो कम एंड जॉइन दिस कोर्स, इट्स अ वंडरफुल कोर्स। एक औरत के लिए ही नहीं, एक मर्द के लिए भी, जो भी कोई है, चाहे वह बड़ा है, छोटा है, किसी भी उम्र का है, अब ही समय है जब आप इस मदर वूम हीलिंग कोर्स ज्वाइन करके वह सब दर्द, दुख, सब जो प्रकार के आपने अनुभव किए हैं या अनुभव कर रहे हैं, उन सब से आप एक प्रकार से उन्हें सुलभ कीजिए, सुलभ करके, चेंज करके, उन पे मरहम लगाकर, मरहम पट्टी कर, और फिर हील करके आप उन्हें अपने जीवन को एक नई डायरेक्शन दीजिए, एक नया रूप दीजिए, एक नई चेतना दीजिए, जिससे कि आप कंप्लीट हो पाए और अपना जीवन सक्सेसफुली जी पाए। सो आई वेलकम यू ऑल, जॉइन दिस कोर्स ऑफ मदर वूम हीलिंग। धन्यवाद, थैंक यू।